निकाल हम हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कविता ब्लॉग्स। तो मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ खटाल में और बच्ची को हम पानी पिलाए थे। तो चावल का जो माड़ होता है वो लेके हम आए और ये दे दिए हैं। तो ये बच्ची मेरा चावल का पानी डेली पीती है, क्योंकि अभी छोटी है, बाहर नहीं जाती है, तो इसी को देते हैं चावल वाला पानी। और अभी गाय मेरा देखिए आ गई है चर के, हम नहा के निकल चुके हैं और अभी नाश्ता वगैरह नहीं किए हैं। काम करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड बागान से ईख लाए हैं, मेरे बागान में है ईख, तो आज अभी हम ईख खाएंगे। और बेटी का फरमाइश था कि मम्मी पानी वाला छिलका बनाइए, यानी चावल हम फुल्ली दे दिए हैं, चावल से पानी का छिलका बनाना है, यानी पानी का ही घोल है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस नमक डालना है उसमें, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं डालना है। तो वो पानी वाला छिलका हम अभी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और मैं अभी चावल इसके पहले तो एक खा लेंगे, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया है, भूख लग गया है, तो नहा के निकले हैं तो मन कर रहा है कि कुछ खाएं। तो चलिए अभी खाली पेट में एक का जूस पीते हैं। और बचपन में हम बहुत एक खाए हैं, मेरा मायके में उस टाइम दादाजी लोग एक लगाते थे बागान में, तो बहुत खाए हैं। तो अभी बस उसी का याद यानी ताज़ा करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं। तो मैं इसके लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, चलिए फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ ईख खाने, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। आप लोग को तो खाने नहीं मिलेगा, बस देखने मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम और मेरी बेटी है सामने, तो चलिए बेटी के साथ हम लोग ईख खाते हैं। गुड़ी पिसा रहा चावल का ना, क्या बनाई? छिलका पानी। पानी छिलका पानी नहीं, पानी वाला छिलका। श्वेता चावल देखिए कैसे छान रही है, देखिए ये देखिए। तो आज का रेसिपी है पानी छिलका। श्वेता जिद करने लगी कि खाएंगे तो खाएंगे पानी छिलका। दोस्तों, बच्चों की फरमाइश के साथ आज सुबह की शुरुआत हम करते हैं और चलिए पानी वाला छिलका बना रहे हैं आज। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि पानी वाला छिलका कितना आसान है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए तुरंत बन जाता है ये। बस आपको जो सुविधा है उसको चावल से पानी से आपको अभी पेस्ट को तैयार करना है। बहुत पतला रहता है और उसमें नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा, मीठा बनाना है तो आप चीनी डाल दीजिएगा, लेकिन नमकीन ही अच्छा लगता है। तो बस बनाइए, और बहुत पतला रहता है उसकी वजह से बच्चे बहुत खाते हैं, कुरकुर लगता है। और ये बिल्कुल पीसने में जितना समय आपका लगेगा चावल को, बनाने में तो आपको रोटी से भी कम समय में बन जाएगा।
पानी वाला छिलका आप लोग बनाइए और मज़े से खाइए। इसको आप दूध के साथ भी खा सकते हैं, गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, कोई सॉस वगैरह या चटनी वगैरह लेके भी खा सकते हैं। आपका मन जिस चीज़ से भी खाना है आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप बड़े चाव के साथ सब शुभम छिलका खा रहा है यहाँ देखो। हम तो खाते रहते हैं तो खाओ। लग रहा है इंडिया का मैप है। ये काम हो गया दिख रहा है उसमें जला हुआ सबको चल जाओ खा लो। पानी छिलका करके नालक खराब कर पानी भी कभी कभार गंदा हो ही जाता है। क्या हो गया रे ये कौन सा नक्शा बन गया? ये है इंडिया का झारखंड। हाँ झारखंड का नक्शा ना झारखंड ऐसे ही है। देखिए झारखंड का नक्शा बनाइए हमको बोली थी इंडिया का। देखिए तो फ्रेंड्स ये तो पानी वाला छिलका बना रही है दोनों। देखिए कैसे लगी हुई है इंडिया झारखंड का मैप बनाने में। ये इंडिया का है अगर इधर से ये पानी वाला छिलका है। ये बहुत सिंपल है पानी को हल्का सुसुम करना है उसमें इधर इधर चावल वाला पाउडर को डालना है नमक देना है और बस अब इसमें तेल ग्रीस करके लगा देना है। हो गया होगा उठाओ चलो उठाओ देख लगा मत ले बहुत बनाने का शौक लग रहा है ना। थोड़ा सा छोड़ देने से ना वो खुद ब खुद छोड़ देता है। थोड़ा सा थाली हटाने के बाद थोड़ा सा रहने के बाद छोड़ दे। बाप पलट भी गया मस्त। अरे तवा ही चल जा रहा है तुम्हारा। पानी जैसा ही ये पानी छिलका देखिए कैसे और कितना बचा और एक बनेगा और एक बनेगा ना। चलो बना के उसको उठा दो दोनों उठा। सो गाइस अब हम ईट खाएंगे खाओ खाओ खाएंगे खा ईट किसको किसको पसंद है जल्दी से कमेंट कर। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ शायरियाँ बोलते हैं जो हमें मोटिवेट करता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। जीवन में चार चीजें मत तोड़िए विश्वास रिश्ता हृदय और वचन क्योंकि यह सब टूटते हैं तो आवाज नहीं आती है पर दर्द बहुत होता है। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें ख्वाब पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। फ्रेंड्स जीतने के लिए भी कई बार हारना भी पड़ता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने वह है जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। सारा पसीना उसीना नहा ले रोने से जानते हैं जानते ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है
तो वही ज्ञान अमृत होता है। पागल ले ये रे निकाल। हाँ। तो दोस्तों देखिए बाबू छिलका खाने लगा, तो हम सोचे पहले हम एक खा लेंगे, लेकिन बच्चे लोग जिद करने लगे कि पहले छिलका बना दीजिए। तो हम पहले छिलका बनाए फिर हम एक खाएं, तो एक खाना हो गया और पेट काफ़ी भर गया, बहुत ज़्यादा खा लिए। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों, टेक केयर।